देश के इतिहास में पहली बार आजादी के 72 सालों में किसानों का इतना बड़ा विशाल जनसमूह सड़कों पर शायद आपने पहली बार देखा होगा। नरसिंहपुर जिले की धरती पर किसानों ने अपनी पीड़ा से त्रस्त होकर सड़कों पर आना शुरू कर दिया। नरसिंहपुर जिले के भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि पर मान मां नर्मदा के पावन पुण्य तट से किसान क्रांति यात्रा का आगाज हुआ, जिसमें नरसिंहपुर जिले के विभिन्न ग्रामों से सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। किसान बरमान से पैदल चलकर नरसिंहपुर की ओर कूच कर दिया है। किसानों का कहना है, जब तक प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक हम ऐसे विशाल और विशाल आंदोलन करेंगे। नरसिंहपुर से राजाराम पटेल की रिपोर्ट, आज की आवाज। नाम है राजाराम पटेल, आज की आवाज न्यूज में आपका स्वागत। नरसिंहपुर जिले के इतिहास में पहली बार किसानों का इतना बड़ा जनसमूह एकत्रित होकर और पैदल चलकर पैदल रोड पर हमने पहली बार देखा। आइए जानते हैं कि इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी हैं, उनसे जानते हैं कि इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है। चौधरी जी बताइएगा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेतृत्व में हमारी ये क्रांति यात्रा के नाम से पैदल मार्च, जो मां नर्मदा के पावन तक धर्मान से प्रारंभ की गई है और नरसिंहपुर तक पहुँचे, हमारा प्रशासन से शासन से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से हमने एक तरफ मांगे उनके समक्ष नहीं रही है और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय प्रशासन से निवेदन है कि उन समस्याओं को, ये इतनी भयावह समस्या नहीं है लेकिन किसान आज बिल्कुल खेती घाटे में कर रहा है और उस घाटे की भरपाई जब तक सरकार कोई मामला कदम नहीं उठाएगी तब तक संभव नहीं है। आज किसान खेती से दूर भाग रहा है, हमारे बच्चे किसान को बनना चाह रहे हैं और अभी अभी पिछले बजट पत्र में जो सरकार ने जो बातें कही उन पर कुछ अमल नहीं हुआ है। 2 लाख के कर्जा माफी की जो बात कही थी, हम उसमें ये कहते हैं कि सभी बैंकों का संपूर्ण प्रकार का कर्ज हमारा माफ होना चाहिए, इसके साथ 160 बोनस और हमारी चलित बोनस राशि। बीमा में जो अभी अभी तात्कालिक अभी जो बरसात हुई है होने पड़े हैं, इससे बहुत भयावह स्थिति हो गई है। हम चाहते हैं कि बीमा नीति व्यवहार करके और उसमें सुधार किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अंधी लूट मची है, ये सब बताने के लिए ये पैदल चलते हुए किसान अपने स्वयं के खर्चे से और अपने स्वयं के किसानी का इतना काम लगा होने के बाद भी आज सड़कों पर है। आप देख सकते हैं 12 अभी 10 से 12 से डिग्री सेल्सियस पर है और इतनी कड़ाके की ठंड है। ऐसी क्या मजबूरी और क्या परेशानी है जिसको लेकर किसान आज सड़कों पर आया है। तो माननीय चौधरी जी, ये जो अभी यात्रा है ये किन ग्रामों से शुरू होकर आई है और कितने लोग इसमें शामिल हुए? इसमें नरसिंहपुर जिले के सभी विकास खंड, इसमें जितने विकास खंड लेकर भाडरवारा, करेली, मेंदूखेड़ा और नरसिंहपुर व गोटेगांव, सभी विकासखंड नरसिंहपुर के वहाँ के जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का जो देशव्यापी संगठन है, उनके समस्त कार्यकर्ता और पड़ोसी जिले जो इस जिले से लगे हुए इसमें होशंगाबाद, जबलपुर, पश्चिमी बिल्कुल संख्या बनाकर और इस यात्रा में जो आप पैदल चलते कल वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे सुबह प्रातः उसके बाद कल का रात्रि आपने देखा किसानों को जो जिस दौर से आज गुजर रहा है उस प्रथा को माननीय चौधरी जी ने आपको बताया, तो किसानों की इस समस्या के लिए प्रशासन किस हद तक दिखाता है।